हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत यूनिक सी रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके फुल बॉडी वाइटनिंग है। आज की रेमेडी बहुत यूनिक है दोस्तों। इस ये रेमेडी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी फुल बॉडी दूध की तरह गोरी हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में टैनिंग है या फिर कोई दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। ये आपको नहाने से 10 मिनट पहले अपने बॉडी पे लगा के रखना है। 10 या 15 मिनट आपको बॉडी पे लगा के रखोगे तो आपकी बॉडी एकदम वाइट हो जाएगी, गोरी हो जाएगी और जो भी मैल मिट्टी गंदगी है वो रिमूव हो जाएगी। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किए हैं वो एकदम नेचुरल है, जो कोई भी इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके स्किन के ऊपर। आप इसे फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए इसमें हमने लिया है आलू। हमने इसमें जो आलू इस्तेमाल किया है वो बॉइल्ड पोटैटो लिया है। आपको उबला हुआ एक आलू लेना है। एक उबले हुए आलू को हमने पहले स्मैश कर लिया है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहो तो अच्छे से स्मैश कर लीजिए, नहीं तो ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। दोस्तों, आलू हमारे स्किन के लिए एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ की तरह काम करता है। इसमें एक ऐसी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी स्किन को फेयर एंड ब्राइट बनाती हैं। उसके बाद जो इसमें ऐड करना है वो है 2 चम्मच के लगभग आपको कर्ड डालना है। आपको घर का जमा हुआ दही लेना है। दही भी हमारे स्किन को ब्राइट और लाइट करने में बहुत मदद करता है, आपकी स्किन को फेयर करने में बहुत मदद करता है। और इसके बाद जो इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है वो है लेमन। दोस्तों, लेमन से अच्छी कोई रेमेडी नहीं है। दोस्तों, लेमन हमारे स्किन में जो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है उसे रिमूव करता है, जो भी दाग धब्बे होते हैं टैनिंग रिमूव करने में मदद करता है। अब तीनों चीज़ों को हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको अप्लाई करना है अपने बॉडी पे। आप इसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये रेमेडी बनके तैयार है। इसको आप अपने हैंड्स पे, लेग पे, नेक पे आप इसे इस्तेमाल कीजिए। इसमें जो आलू इस पर डाला है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके स्किन में जो भी मैल मिट्टी गंदगी है उसे दूर करेंगी। और इसको नहाने से पहले आपको 10 मिनट या 15 मिनट तक लगा के छोड़ना है। उसे लगाने के बाद उसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से लगाना है। इसमें पहले आपको थोड़ा सा हाथ पे लेके अपने हाथ में इस तरीके से लगाना है। दोस्तों, आप चाहो तो इसको फेस में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फेस में इसे इस्तेमाल करते हो तो ये आपके फेस में जो भी दाग धब्बे हैं उसे भी रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, आपकी टैनिंग रिमूव होगी और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इंक्रीज़ करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।